बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग ड्रग्स लेते हैं, सप्लाई करते हैं और डीलर्स हैं, उन्हें सजा देने की मांग की है। बता दें एनसीबी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स केस की छानबीन में लगा है। रवीना टंडन ने ट्वीट कर लिखा, समय आ गया है सफाई करने का, बहुत शुक्रिया। युवा और आने वाले युवाओं को मदद मिलेगी, यहाँ से शुरू करें पक्का और फिर सभी सेक्टर्स की जांच करें, इसे जड़ से उखाड़कर खत्म कर दें, यूजर्स, डीलर्स और सप्लायर्स सभी को सजा दें, उन बड़े लोगों को भी सबक सिखाएं जो आंखें बंद करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को अभी 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। स्पेशल NDPS कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वो मुंबई की भायखला जेल में बंद है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका 2 बार कोर्ट से ठुकरा दी जा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को मुंबई से कई दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी पाई जाती है तो उन्हें करीब 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने कई बॉलीवुड ए लिस्टर्स के नाम ड्रग्स मामले में लिए हैं, जिनसे जल्द ही एनसीबी समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। इस खबर के बाद आपका क्या कहना है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसे ही बॉलीवुड के लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप बॉली न्यूज़ अब आप देखते रहे। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस जरूर करें। नमस्कार।